हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी फॉर नेट माय नेम इज शालू गर्ग और हम कर रहे हैं अपने एन यूजीसी से नेट पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन जिसमें हमने स्टार्ट किया था अपना टॉपिक यूनिट नंबर फोर कम्युनिकेशन जिसका थ्योरी पार्ट हम कर चुके हैं पिछली लेक्चर वीडियो में हमने इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे आज भी हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे उससे पहले जो भी ये वीडियो देख रहा है अगर उसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए चलिए शुरू करते हैं टेन क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे नाउ नेक्स्ट इलेवंथ क्वेश्चन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स द टर्म क्रोनोमिक्स इज यूज फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज जब ये लेक्चर पढ़ा था सभी इम्पॉर्टेंट टर्म्स का उसमें टर्म बताई थी क्रोनोमिक्स जिसमें यह क्रोन है ये क्या है एक ईडियम है ठीक है तो क्रोन का मतलब क्या होता है टाइम उसी से मिलकर बना है क्रोनोमिक्स तो क्रोनोमिक्स किसके लिए यूज किया गया है ऑप्शन नंबर सी टाइम टाइम क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी ने भी ये लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले लेक्चर देख लीजिए कि क्रोनोमिक्स का मतलब क्या है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ए क्लासिफिकेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट्स इज नोन एस बॉडी मूवमेंट्स का क्लासिफिकेशन देखने को कहाँ पे मिलता है सीधा करेक्ट आंसर पे आते हैं दैट इज काइनेसिक्स ये डेफिनेशनस है इसकी आपको पता होनी ही चाहिए जिसमें क्या होता है काइनेसिक्स हमने इसमें एक रूल भी पढ़ा था रूल नंबर सेवन थर्टी एट फिफ्टी फाइव तो वो रूल क्या है प्लीज़ उसके लिए आपको लेक्चर देखना पड़ेगा uh, तो आप प्लीज़ उसको लेक्चर देखिएगा ये काइने सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स के अंदर आपको वो लेक्चर मिल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन एन इफेक्टिव कॉम्युनिकेशन डज नॉट रिक्वायर कोई भी कॉम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए उसमें क्या किस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है चेंज इन स्पीच पैटर्न अप्रोप्रिएट जेस्चर्स मास्टरी ऑफ कंटेंट हैंडसम पर्सनैलिटी अब देखो इफेक्टिव कॉम्युनिकेशन बनाने के लिए स्पीच पैटर्न को तो हम डेफिनेटली चेंज अपने कर सकते हैं जेस्टर्स को भी अप्रोप्रिएट बिल्कुल होने चाहिए हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें जेस्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है मास्टरी ऑफ कंटेंट बिल्कुल आपका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए हैंडसम पर्सनैलिटी किसी भी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए हैंडसम पर्सनैलिटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ फीड फीडबैक इन न्यूज़ पेपर्स कॉम्युनिकेशन जो भी न्यूज़ पेपर का कॉम्युनिकेशन होता है उसमें फीडबैक कोई कैसे देता है आर्टिकल्स लिख के एडिटोरियल्स लेटर्स टू एन एडिटर और न्यूज़ क्या है कि जब भी हमने न्यूज़पेपर के कम्युनिकेशन के लिए फीडबैक देना होता है तो न्यूज़पेपर जो भी प्रिंट कर रहा है हम उसको ही अपना फीडबैक देंगे मान लो कुछ हमें दिक्कत आ रही है हम चाह रहे हैं कि ऐसी ऐसी न्यूज़ वो दें या फिर ऐसे, ऐसे ऐसे कंटेंट दें तो हम किसको देंगे अपना फीडबैक लेटर्स टू एन एडिटर जो भी उसका एडिटर है हम उसको लेटर लिख के अपना फीडबैक प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन टू वे कॉम्युनिकेशन बिकम्स इफेक्टिव नेवर ऑलवेज रेयरली ननो द अबब डेफिनेटली टू वे कॉम्युनिकेशन हमेशा ही क्या माना जाता है इफेक्टिव माना जाता है तो टू वे कॉम्युनिकेशन बिकम्स इफेक्टिव ऑलवेज क्योंकि सेंडर और रिसीवर जब बात कर रहे होंगे टू वे कॉम्युनिकेशन हो रहा होगा तो डेफिनेटली सेंडर को क्या मिलेगा फीडबैक जरूर मिलेगा तो टू वे कॉम्युनिकेशन हमेशा ही इफेक्टिव माना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इन इंटरपर्सनल कॉम्युनिकेशन एथिक्स आर इम्पॉर्टेंट कॉम्युनिकेशन बैरियर्स इन इफेक्टिव और नॉन ऑफ द अब इंटरपर्सनल कॉम्युनिकेशन किसके बीच में होता है दो लोगों के बीच में होता है जब भी दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको क्या है एथिक्स का आ, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका डेफिनेटली आपको ध्यान रखना है कि आपको किस हिसाब से बात करनी है मॉरली मतलब अच्छी वैल्यूज़ में बात करनी है इनका ध्यान रखना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट पावरफुल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन इन द क्लास इज बहुत इंपॉर्टेंट मतलब पावरफुल बैरियर कम्युनिकेशन क्लास के अंदर क्या माना जाता है नॉइज इन द क्लास रूम कन्फ्यूजन ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर मोर आउटसाइड आउटसाइड डिस्टर्बेंस इन द क्लासरूम लैक ऑफ टीचिंग एड्स तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कन्फ्यूजन ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर अगर टीचर ही कंफ्यूज है अपने टॉपिक को लेकर तो कम्युनिकेशन कभी भी इफेक्टिव नहीं बनेगा और वहाँ पे बैरियर क्रिएट हो जाएगा ये नॉइज़ इन द क्लासरूम मोर आउटसाइड डिस्टरबेंस लैक ऑफ टीचिंग एड ये भी बैरियर्स हम कह सकते हैं लेकिन यहाँ पे पूछा है मोस्ट पावरफुल बैरियर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पैरा लैंग्वेज पैरा लैंग्वेज के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखने को क्या मिलते हैं टोन पिच क्वालिटी ऑफ वॉइस रेट ऑफ स्पीकिंग ऑफ कोर्स ये चारों ही मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं हमारे पैरा लैंग्वेज के तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैरा लैंग्वेज मतलब कि क्या आपकी स्पीड होनी चाहिए बोलने की क्या पिच है क्या रेट है ये सारे के सारे पैरा लैंग्वेज ही होते हैं कि किन किन बातों का ध्यान रखना है आपकी टोन को आपको कैसा रखना है आपकी पिच कैसी होनी चाहिए आपकी वॉइस की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए रेट ऑफ स्पीकिंग कितनी स्पीडली आप बोल रहे हैं तो ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स पैरा लैंग्वेज के हो जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इमेजिन यू आर वर्किंग इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेयर पीपल आर ऑफ इक्वल स्टेटस विच मैथड्स ऑफ कम्युनिकेशन इज बेस्ट सुटेड नॉर्मली एम्प्लॉयड इन सच ए कॉन्टेक्स्ट अगर आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वर्क कर रहे हैं जहाँ पे पीपल जो हैं वो सारे इक्वल स्टेटस के हैं ठीक है तो कौन सा कम्युनिकेशन वहाँ पे बेस्ट होगा जो भी नॉर्मली एम्प्लॉयड मतलब इस कंटेस्ट में देखा जाए तो हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन जिसमें हमने पढ़े थे अपवर्ड कम्युनिकेशन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन डायगनल कम्युनिकेशन तो उसी का ये पार्ट है अगर वो किसी ने भी लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो जाके लेक्चर देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का मतलब कि जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं जो भी मतलब एक ही लेवल की अथॉरिटी से जब हम कम्युनिकेट करते हैं उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन वेन वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेज आर कॉन्ट्राडिक्ट्री इट इज सेट टू बी इट इज सेट दैट मोस्ट पीपल बिलीव इन इंटरमीडिएट इन इनडिटर्मिनेट मैसेजेस वर्बल मैसेजेस नॉन वर्बल मैसेजेस एंड एग्रेसि मैसेजेस ये हमने जब नॉन वर्बल कॉम्युनिकेशन और वर्बल कॉम्युनिकेशन का टॉपिक किया था तो लास्ट में इस क्वेश्चन को डिस्कस भी किया था कि जब भी वर्बल और नॉन वर्बल मैसेज क्या होते हैं कॉन्ट्राडिक्ट्री मतलब एक सही दूसरा गलत दूसरा सही पहला गलत ठीक है तो जो मोस्ट पीपल है वो किस पे बिलीव करते हैं वो बिलीव करते हैं नॉन वर्बल मैसेजेस पे क्योंकि जो किसी भी इंडिविजुअल का किसी भी पर्सन का जो रिएक्शन है वो सबसे पहले निकल के आता है किसी भी इंफॉर्मेशन लेने के बाद में तो किस पे वो बिलीव करेंगे नॉन वर्बल बेसिस पे बिलीव करेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नॉन वर्बल मैसेजेस ठीक है तो आज के टेन क्वेश्चन हमने डिस्कस किए टोटल ट्वेंटी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं आगे भी हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोज में तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग आगे ही ऐसी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें थैंक यू